गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो ऐसा है, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हम प्रोसीड कैसे करने वाले हैं और आपको क्या क्या करना है। जैसा कि आप जानते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए बैच अपन ने अनाउंस किए हैं, ये फास्ट ट्रैक रहने वाली है। सो ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा पढ़ाने का तरीका बदलेगा, जो मैं पढ़ाता हूँ रहेगा तो वही, इवन डायग्राम्स वगैरह वैसे के वैसे रहेंगे, बट यहाँ पे मैं डायग्राम्स जो है वो ऑलरेडी बने हुए जो है दैट विल बी यूज्ड, वो यूज करूंगा, जिसके कारण अपना एक फायदा होगा कि भाई अपना टाइम बचेगा। लगभग अपना 25% टाइम जो मेरा डायग्राम बनाने में जाता है वो टाइम अपना सेव होने वाला है। सो दैट विल बी द फर्स्ट थिंग। ये मैं इसीलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आपके मन में सवाल होगा कि सर 120 आवर्स का कोर्स है, अपन 30 आवर्स में कैसे कवर करेंगे। सो मैं आपको बता दूं, मैं इसको 10 आवर्स में भी कंप्लीट कर चुका हूँ, 10 आवर्स में भी ये कंप्लीट होता है, बट ऑफ कोर्स आपके लिए अपन ने 30 आवर्स का एक बैच अनाउंस किया है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा क्योंकि डाउट्स वगैरह रहते हैं, तो 32 तक के जा सकता है, नीचे तो नहीं होगा, 29 तो नहीं होगा, बट 32 हो सकता है। देन इसमें डायग्राम्स जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी जो बने हुए हैं वो वाले हम यूज करेंगे। देन जो आपकी बुक है, बुक से ही पढ़ाऊंगा मैं, पर आप मेरी जो तरीका है, मेरा जो तरीका है उससे वाकिफ है। आप जानते हैं कि मैं हर चीज रीड करके बताता हूँ, बट क्योंकि यहाँ पे अपने पास वक्त कम है, दूसरी चीज जो यहाँ पे नहीं होगी वो होगी, मैं हर चीज रीड करके नहीं बताऊंगा, आपको समझाई जाएगी पूरी चीजें 100%, बट वर्ड टू वर्ड रीडिंग आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो वो नहीं करेंगे अपन। आपको घर पे इसीलिए उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और आपको डाउट्स अगर आते हैं तो आपके पास फुल बैच की वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है ही, तो फुल बैच भी आप देख सकते हैं। एक पॉइंट मैं बता दूं आपको पहले, वैसे तो देर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, आप शॉर्टकट नहीं पकड़ सकते सक्सेस के लिए, बट ये इसीलिए बनाया गया है, ये वाली बैच इसीलिए बोली है क्योंकि काफी स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे। वैसे मैं आपको बता दूं, जो मेन बैच है, जो पूरी बैच है, दैट विल बी ऑलवेज बेटर, वो हमेशा बेटर रहेगी, उसमें हर चीज पूरी डिटेल में कवर हो जाती है। ये वाली बैच जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगी, इसमें मैं आपको कोई एडिशनल नॉलेज नहीं दूंगा, कोई भी एडिशनल चीज नहीं बताई जाएगी। हाँ, ऑफ कोर्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो जरूर सब चीजें बताऊंगा, जैसे कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, और लिख के नहीं बता सकता मैं, जैसे मैं मेन बैच में आप देखते हैं कि मैं लिख के बताता हूँ, 2-3 क्वेश्चन तो कम से कम लिख के बताता हूँ, और बाकी भी मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करता हूँ। सो यहाँ पे एकदम बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं होगा, आपको घर पे सॉल्व करते जाना है चीजें, साथ साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी देखते जाना है, डाउट्स जो होंगे डाउट्स अपन सॉल्व कर लेंगे। देन एक और चीज जिससे यहाँ पे टाइम अपन बचाने वाले हैं, अपना जो टाइम है वो जाता है रिविजन में। लगभग आप देखोगे जितनी भी क्लासेस होती है उसमें मैं क्यूमुलेटिव रिविजन कराता हूँ, जैसे पहले जो पढ़ चुके हैं हमने उसको अपन दूसरी क्लास में फिर से रिवाइज करते हैं। सो ये बैच में क्यूमुलेटिव रिविजन भी नहीं होने वाला, उससे भी आपका 25% टाइम बचेगा। सो अगर डायग्राम्स और आपका रिविजन हटा दो तो वैसे ही 25% यानी 50% टाइम आपका कवर हो जाता है, यानी आपका जो 120 आवर्स का कोर्स है वो 60 पे आ जाता है, और अगर रीडिंग हटा दी अपन ने तो वैसे ही वो बराबर 30 आवर्स में कंप्लीट होता है। कैसे हम प्रोसीड करेंगे ये भी मैं बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो पोर्शन है सबसे बड़ा पोर्शन यही है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप अगर कवर कर लेते हैं तो लगभग आपके कंटेंट का 60% या 55% पोर्शन कवर हो जाता है, ठीक है। तो आप जो बुक में पढ़ने वाले हैं उसमें 21 चैप्टर में से 9 चैप्टर्स आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे ही हैं, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अपन मेजर टाइम यहीं पे देने वाले हैं। सो ये जो फर्स्ट पार्ट रहेगा अपना, सो ये जो फर्स्ट पार्ट रहेगा इस पे मेजर टाइम जाएगा अपना। ये जो 9 चैप्टर्स हैं इन पे लगभग अपने को 12 लेक्चर्स लगने वाले हैं, ठीक है। तो 12 लेक्चर्स की अपन इसके ऊपर तैयारी रखेंगे, 12 या इवन 13 हो सकता है, बट ट्राई करेंगे अपन सम अप हो जाए 12 लेक्चर्स में। देन सेल ऑफ गुड्स में 6 यूनिट्स है, 6 चैप्टर्स है आपके, और इसके लिए अपन 6 आवर्स पकड़ के चल रहे हैं। थोड़ा मेरा सिस्टम भी नहीं है, एक ये भी एक डिफिकल्टी जाएगी अपने को, मैं मोबाइल डिवाइस से पढ़ा रहा हूँ आपको,
बट फिर भी अपन रुक नहीं सकते क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है। दूसरी चीज जो मैं आपको बता दूं कि 6 आवर्स इस पे जाएंगे, ठीक है, तो लगभग 12 आवर्स इस पे, 6 आवर्स इसके ऊपर, पार्टनरशिप में 4 आवर्स मैक्सिमम, 4 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर एलएलपी, एलएलपी जो है एक सेकेंड, हाँ एलएलपी को 2 आवर्स हो जाएंगे, 2 आवर्स में ये कवर हो जाएगा, और कंपनीज एक्ट को लगभग 5 घंटे लगेंगे। इस हिसाब से लगभग 30 आवर्स के आसपास ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अपन इस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हाँ एक क्वेश्चन है पूर्वेश का, सर क्लास कब तक है? तो 1 आवर की क्लास रहेगी आज, और डिपेंडिंग ऑन द टाइम अवेलेबिलिटी या कंटेंट ऑफ द चैप्टर अपन ये क्लास को थोड़ा बहुत एक्सटेंड करेंगे कभी, जैसे कभी 1 आवर 15 मिनट्स की भी हो सकती है, बट ऑन एन एवरेज द क्लास विल बी ऑफ 1 आवर, ठीक है, 1 घंटा रोज, और 30 डेज में अपन इसको कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। ऑफ कोर्स जब आपके पास टाइम ज्यादा होगा, जैसे कि आपकी दिवाली की छुट्टियां रहेगी, तो वो छुट्टियां नहीं होने वाली आपकी, उसमें अपन छुट्टियों में ज्यादा कवर करेंगे फिर, ठीक है। तो टाइमिंग यही रहने वाला है सुबह का, अगर आपको जमता है तो और सुबह में रख सकता हूँ, 7 बजे भी रख सकते हैं अपन, ठीक है, नो इश्यूज, आप और सुबह भी रख सकते हैं, बट ये टाइम तो रहेगा ही, यानी 7:30 के बाद तो अपन नहीं लेंगे, अपन 7:30 बजे चालू करेंगे ही। सो लेट्स बिगिन। ये पहले ब्रीफिंग कर दिया मैंने आपको, आपको लिख के खुद को देखना है। नाउ नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये चैप्टर से हम चालू करने वाले हैं अभी। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हम बात करेंगे। मैं ये नहीं बताऊंगा एक्ट बनता कैसे है, लॉ कैसे बनता है, ये सब चीजों पे अब अपन चर्चा नहीं कर सकते, ठीक है। डायरेक्टली लॉ क्या है? लॉ एक मैकेनिज्म है जिससे इंसान का बिहेवियर रेगुलेट किया जाता है, मैनेज किया जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, इंसान एक सामाजिक प्राणी है, इंसान समाज में रहता है, और जब समाज में रहते हैं व्यक्ति तो कई दिक्कतें आती है, झगड़े हो सकते हैं, मारपीट हो सकती है, चोरी चकारी हो सकती है। सो ये नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, पीसफुल लिविंग होना चाहिए, जस्टिस प्रिवेल होना चाहिए, इसीलिए कानून का निर्माण किया गया है। कानून जो हम पढ़ते हैं ये इसीलिए बनाए गए हैं ताकि जो इंसान रहते हैं सोसाइटी में, तो सोसाइटी में कोई तकलीफ ना हो इनके साथ, और इसीलिए कानून का निर्माण किया है। अगर लॉ नहीं होता तो मुश्किल होता कोई भी काम करना। अगर किसी ने मेरी मोबाइल चोरी कर लिया, मेरी कार चोरी कर लिया, तो मैं उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं ले सकता था अगर कानून नहीं होता तो। बट कानून है इसीलिए मेरे को एक सेफ्टी मिलती है, एक सोशल सिक्योरिटी मिलती है कि भाई मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, और अगर गलत होता है तो मैं कोर्ट जाके ठीक करवा सकता हूँ, क्लेम कर सकता हूँ। देन मर्केंटाइल लॉ क्या होता है? मर्केंटाइल लॉ, मर्केंटाइल का मतलब होता है बिजनेस। जैसे कि बहुत प्रकार के कानून पाए जाते हैं, क्रिमिनल लॉज होते हैं, किसी ने मर्डर किया वो एक अलग कानून में कवर होता है। फिर टैक्स लॉज होते हैं, इनकम टैक्स भरना है, जीएसटी भरना है, ये भी कानून है, ये भी एक्चुअली लॉ है। टैक्सेशन इज नॉट टैक्स, इट इज एक्चुअली लॉ, ठीक है। तो टैक्सेशन यानी एक अलग कोई टॉपिक नहीं है, टैक्सेशन इज अ सेपरेट लॉ, ये भी एक कानून है, ठीक है। वैसे ही बिजनेस से रिलेटेड जो कानून होते हैं उनको हम बोलते हैं मर्केंटाइल लॉ या बिजनेस लॉ या कमर्शियल लॉ। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो इसमें जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ऐसे बहुत प्रकार के कानून इसमें कवर होते हैं, ठीक है। देन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया गया? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए बनाया गया क्योंकि बिजनेस में जब लोग वादे करते हैं तो वो वादे पूरे नहीं करते थे। अगर वादे पूरे नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं अपन, इसका डायग्राम है मेरे पास। लोग क्या करते थे? लोग वादे करते थे। हाँ एक और बात बता दूं, मैं अभी जैसे पढ़ा रहा हूं इसमें स्क्रीन शेयर नहीं की जाएगी, आप मुझे पिन कर लें, आप जैसे ही मुझे पिन कर लेंगे तो मैं फुल स्क्रीन में आपको दिखाई दूंगा, फिर आप उसको अगर रोटेशन ऑन रखते हैं और लैंडस्केप में देखते हैं तो मैं पूरा जैसा यूट्यूब पे दिखता है उस प्रकार का पूरा वीडियो आपको मेरा दिखाई देगा, ठीक है। जैसे समझो मैं ये हूं एम, अब मैंने क्या किया, मैंने गुड्स बनाने का सोचा, मैं एक फैक्ट्री का ओनर हूं, मैं यहाँ पे गुड्स बनाता हूँ, गुड्स का निर्माण करता हूँ। अब क्या होता है, मेरे को गुड्स बनाना था इसीलिए मैंने
एक सप्लायर है मिस्टर एस, जिनको बोला कि मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। वो बोलते हैं ठीक है, मैं रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब तारीख डिसाइड होती है, 25 तारीख को रॉ मटेरियल वो देने वाले हैं। मैंने सोचा 25 तारीख को रॉ मटेरियल आएगा, उस हिसाब से मैंने अपने प्रोडक्शन शेड्यूल बना लिया कि मैं गुड्स बनाऊंगा और ये गुड्स बना के बेचे जाएंगे। और मैंने लोगों से ऑर्डर्स लेना भी चालू कर दिया। मैंने इससे ऑर्डर ले लिया, इसने मेरे को ऑर्डर दिया, मुझे इतने इतने गुड्स चाहिए। ऐसे बहुत सारे होलसेलर और होंगे, इस होलसेलर से फिर रिटेलर ने भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मुझे भी गुड्स चाहिए, और अल्टीमेटली कंज्यूमर को भी गुड्स यहीं से मिलेंगे। सो पूरी एक चेन बन गई कि अगर मेरे को यहाँ से गुड्स आएंगे तो मैं प्रोडक्शन करूंगा, प्रोडक्शन करके गुड्स आगे देते जाऊंगा और ये आगे चलते जाएंगे। सो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया हर किसी के साथ, मेरे और सप्लायर के बीच में, और ये आगे भी पूरे एक एक कॉन्ट्रैक्ट होते गए। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करेगा, समझो कल चल के सप्लायर ने रॉ मटेरियल मुझे प्रोवाइड नहीं किया, तो यहाँ पे तकलीफ होगी। क्या तकलीफ होगी? कि मैं यहाँ पे अब गुड्स नहीं बना पाऊंगा, और नहीं बना पाऊंगा तो आगे वालों को कैसे दूंगा, तो सबको तकलीफ होगी। इसीलिए मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि गुड्स नहीं बनाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट से दूसरे कोई सप्लायर से गुड्स खरीदूंगा। बट अब ये गुड्स मुझे मिलेंगे महंगे दाम पे। समझो यहाँ मुझे 100 रुपए पे मिलने वाले थे, अब मुझे ये मिल रहे हैं 120 रुपए में, यानी मेरे को 20 रुपए ज्यादा लग रहे हैं। तो ये 20 रुपए ज्यादा क्यों लगे? क्योंकि मिस्टर एस ने इसने मेरे को गुड्स नहीं प्रोवाइड किया एट द परफेक्ट टाइम 25 तारीख को। सो मेरे को इसके कारण नुकसान हो गया। अब क्योंकि मुझे एस के कारण इसके कारण नुकसान हुआ है, ठीक है, ये दोनों ही एस नाम रख दिया मैंने, ये S1 कर दो इसको। सो मुझे क्योंकि एस के कारण नुकसान हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो भी नुकसान हुआ है उतना क्लेम कर सकता हूँ। तो मैं मिस्टर एस से 20 रुपीज क्लेम कर लूंगा, ठीक है। तो 20 रुपीज अगर मैं इससे क्लेम कर लेता हूँ तो अल्टीमेटली मेरा नुकसान मेरे को वापस मिल जाता है, मेरा नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो मेरे को 100 रुपए में चीज मिलना था, तो वो मुझे अब 100 रुपए में ही मिली, क्योंकि 120 यहाँ दिया और 20 इससे रिकवर कर लिया। सो ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अगर ये नहीं लिखा होता तो बिजनेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया होता। और इसीलिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का यही काम है, सर्टेनिटी लाना, डेफिनेटनेस लाना इन द बिजनेस ट्रांजेक्शन। सो बिजनेस में अगर ये चेन चलते रहना चाहिए तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा होना चाहिए, और इसी के लिए कानून बनाया गया है कि अगर लोग वादा करेंगे और तोड़ देंगे तो तुमको कंपेंसेट तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कानून इसीलिए बनाया गया है। देन एक सेकेंड, हाँ, फिर यही लिखा है यहां पे, बिजनेस लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मकसद है। तो ये पॉइंट आपको यहां पे दिखेगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए लाया है ताकि जो भी प्रोमिसेस है वो एनफोर्स किए जाए, एनफोर्सिबिलिटी ऑफ प्रोमिसेस हो। और सेम एग्जांपल जो मैंने आपको दिया वो एग्जांपल यहां के यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। सो आपका काम है ये आपको घर पे रीड करना है फिर, ठीक है। तो ऑफकोर्स आपका कोर्स यहाँ पे अपन जल्दी कर रहे हैं तो आपको उतनी थोड़ी मेहनत घर पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। देन यही चीज आगे दी है कि क्या काम है इसका, कि डैमेजेस रिकवर किया जा सकता है एंड सर्टेनिटी एंड डेफिनेटनेस इन द बिजनेस ट्रांजेक्शन लाया जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली ये वर्ड्स आपको याद रखने की अब जरूरत नहीं है। सो अपन जैसे कि शॉर्ट बैच कर रहे हैं तो मैं ऐसे वर्ड्स, ऐसी चीजें आपको याद रखने नहीं बोलूंगा, ये चीजें आप याद नहीं रखें तो भी चलता है, ठीक है। सो आपको अगर पूरा डिटेल करना है तो आपके पास वैसे ऑप्शन है भी, तो आप पूरे डिटेल वाले जो वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें वर्ड टू वर्ड मैंने आपको पूरी ये सब चीजें रीड करके बताया हूं। देन क्या ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये हर किसी को लगता है कि सिर्फ बिजनेसमैन को लगता है? क्योंकि हम तो बोल रहे हैं बिजनेस का कानून है, सो क्या ये सिर्फ बिजनेसमैन को लगता है या हर किसी को लगता है? द आंसर इज इट इज एप्लीकेबल टू बिजनेस कम्युनिटी एज वेल एज अदर्स। जब आप कोई भी काम करते हैं, आप अगर इवन एक बुक खरीद के लाते हैं एक दुकान से, आप अगर कोई मैगी खरीद के लाते हैं एक शॉप से, तो यहाँ पे भी आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होता है। आप मूवी देखने जाते हैं तो वहां भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होता है। ये आपके लिए तो बिजनेस नहीं है बट स्टिल यहाँ पे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल अप्लाई, ठीक है। सो ऐसा है, एग्जाम्पल वहां पे दिया हुआ है आपको, जैसे आप गाड़ी रखते हैं अपना कोई साइकिल स्टैंड पे या स्कूटर स्टैंड पे, या डीवीडी ले जाते हैं घर पे देखने के लिए, सो यहाँ पे आप बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं।
सोर्सेस ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सोर्सेस का क्या मतलब होता है? सोर्सेस का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहाँ कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कैसे कैसे ये क्रिएट हुआ है। सो सोर्सेस यानी कहाँ कहाँ से बनता है कानून। सो लॉ इज अ वाइडर वर्ड, लॉ एक ब्रॉड वर्ड है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं देखते हैं। सबसे पहले एक चीज होगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक एक्ट होता है। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी क्या? एक्ट यानी एक बुक के फॉर्म में लिखा होता है जिसमें पूरा बताया होगा रूल्स वगैरह कि ऐसा करना ऐसा नहीं करना, ये सब चीजें लिखी है। तो यहाँ पे भी एक एक्ट है, इसमें बताया गया है कि कैसे क्या कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ये सब वर्ड्स आगे आएंगे तो ये वाला पैराग्राफ अभी हम नहीं पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, वॉइडेबल क्या होता है, वॉइड क्या होता है, ये सब चीजें इसमें लिखी हुई है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है, तो एक्ट में ये सब बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है और वो कैसे क्या काम करता है, कब ये वैलिड होगा, कब ये वॉइड होगा, कब ये वॉइडेबल होगा, ये सब चीजें इसमें बताई गई है। ये वॉइड वर्ड क्या है ये आगे अपन पढ़ेंगे, वॉइडेबल क्या है ये आगे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा, एक्ट के अलावा दूसरी चीज इसमें है केस लॉज, जिसको हम जुडिशियल डिसीजंस एंड प्रेसिडेंट्स भी बोलते हैं। जुडिशियल डिसीजंस एंड प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है जो कोर्ट में केस हुआ है वो भी कानून का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, सो जब कुछ चीज क्लियर नहीं है इन द एक्ट तो झगड़ा होता है, और झगड़ा होता है तो कोर्ट में जाते हैं हम। अब कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट डिसीजन देगा, दैट डिसीजन विल बिकम द पार्ट ऑफ द लॉ, वो भी कानून का हिस्सा बन जाता है। तो आप देख रहे हैं लॉ इज अ वाइडर कैटेगरी, उसमें एक एक्ट है, कुछ केस लॉज है, एंड देयर आर सर्टन कस्टम्स एंड यूसेज ऑफ ट्रेड। ठीक है, कस्टम्स भी होते हैं, कस्टम्स एंड यूसेजेस। कस्टम्स मीन्स तौर तरीके, तौर तरीके भी कानून का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे आप अगर सब्जी बाजार में जाते हैं आलू खरीदने, आप 1 किलो आलू खरीदते हैं और पैसे दे के आते हैं, यहाँ पे तो आपने कुछ लिखा नहीं, फिर भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सो ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ? क्योंकि ये तौर तरीके चले आ रहे हैं, आप बचपन से ऐसा देखते आ रहे हैं कि ऐसा होता है, आप जाते हैं सब्जी खरीदने, पैसा देते हैं और सब्जी लेके आ जाते हैं। सो यहाँ पे भी तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही रहा है, बट यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये क्योंकि तौर तरीके ऐसे ही चले आ रहे हैं तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट में कवर हो जाते हैं। ऑफकोर्स अगर ये कल चल के कानून लिख दिया जाए कि नहीं आपको लिखित रूप में करना पड़ेगा, अगर आप सब्जी भी खरीदते हैं तो आपको लिख के लेना पड़ेगा, तो ऐसे केस में फिर दैट विल अप्लाई, फिर कस्टम्स नहीं चलेंगे। तो कस्टम्स तब तक के अप्लाई होते हैं जब तक दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द रिटन लॉ। ठीक है, सो ये पॉइंट आगे वाले पॉइंट में बताया गया है। और कोर्ट्स कैसे कैसे होते हैं ये भी अब अपन ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। वैसे कोर्ट्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, हायर कोर्ट रहते हैं, लोअर कोर्ट्स होते हैं। जो लोअर कोर्ट्स है उनको हायर कोर्ट के डिसीजन भी फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, सो ये अगर केस लॉज हैं तो केस जो ऑलरेडी हो चुका है वो कानून का हिस्सा बन जाते हैं। फिर से अगर वैसा ही केस होगा तो वही रूल लगाया जाएगा जो पिछले डिसाइडेड केस में बताया गया था। ठीक है, देन क्या ये एक्ट खत्म हो जाता है? तो द आंसर इज नो, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। ये एक्ट खत्म नहीं होता, एग्जॉस्ट होने का मतलब है खत्म होना, नॉट एग्जॉस्टिव का मतलब है इट विल नॉट एंड, ये चलता जाएगा। बहुत प्रकार के अलग अलग कानून है वो भी अप्लाई होते हैं, जैसे कि जब आप कोई चीज खरीद रहे बेच रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, तो ऐसे केसेस में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो लगेगा ही, साथ में सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी लगता है। अगर आप एक बंगला खरीद रहे हैं तो वहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी लगता है और साथ साथ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी चलता जाएगा। अगर आप साझेदारी में काम कर रहे हैं, मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप एक्ट भी लगेगा, बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म नहीं होगा, दैट विल ऑल्सो अप्लाई। दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज द एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, ये एक्ट खत्म नहीं होता, ये चलते जाता है। देन वॉट इज द स्कीम ऑफ द एक्ट, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ये कोई काम का नहीं है बट एक बार देख लें। हम इसमें पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 75। स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं है बट मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा, अभी मैं इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करूंगा। इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी क्या होता है, ठीक है, जब अपन आगे बढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में आपको बताते जाऊंगा। देन इसमें पहले सेल ऑफ गुड्स के प्रोविजंस भी यहीं लिखे हुए थे, सेक्शन 76 टू 123, लेकिन इसको बाद में हटा दिया गया 1930 में जब सेपरेट सेल ऑफ गुड्स एक्ट बनाया गया। उसी प्रकार से पार्टनरशिप के प्रोविजंस लिखे थे सेक्शन 239 टू 266 में, और ये भी बाद में हटाए गए जब एक अलग पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया 1932 में। ठीक है, देन क्या ये बाकी के ब्रांचेस ऑफ लॉ से अलग है, इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांचेस ऑफ लॉ? द आंसर इज यस,
बाकी के कानून से अलग है। बाकी के कानून में क्या लिखा होता है, सीधा सीधा लिखा है ऐसा करो ऐसा मत करो, क्लियरली लिखा होता है। बट यहाँ पे ऐसा क्लैरिटी नहीं है, ये एक सिर्फ ब्रॉड फ्रेमवर्क बताता है कि आपको क्या रूल्स लगेंगे। ब्रॉड फ्रेमवर्क है, उसके अंदर रहते हुए आप अपने खुद की टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, एक जमीन खरीद रहे हैं या एक बंगला खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बंगला खरीदने का जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में तो बताया है कि ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा, कंसिडरेशन होगा, बट अल्टीमेटली ये परफॉर्म कैसे होगा, इसमें क्या टर्म्स लगाना है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। या पहले पैसे देना है, या पहले बंगले की चाबी मिलेगी, पोजेशन कब मिलेगा, रजिस्ट्री कब लगेगी, ऐसे सब टर्म्स आप डिसाइड कर सकते हैं। पैसा क्या इंस्टॉलमेंट में दिया तो चलेगा क्या, तो ये सब चीजें आप डिसाइड कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांचेस ऑफ लॉ, बिकॉज अंडर अदर ब्रांचेस ऑफ लॉ देयर इज अ स्ट्रिक्ट प्रोविजन कि आपको ऐसा ही करना है, बट यहाँ पे देयर इज नो स्ट्रिक्ट प्रोविजन। इट ओनली प्रोवाइड्स द ब्रॉड फ्रेमवर्क, एंड विद इन दैट फ्रेमवर्क यू कैन मेक योर ओन रूल्स, आप खुद के अपने रूल्स इसमें बना सकते हैं। ठीक है, देन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग हेड्स। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम पहला चैप्टर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इससे रिलेटेड पूरे 6 चैप्टर तक हम पढ़ाई करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6 तक। देन ऑपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पूरा कैसे होता है, चैप्टर नंबर 8। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर नंबर 9। एंड रेमिडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर नंबर 9। हम इस साल इतना पढ़ने वाले हैं। देन वॉट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यहां से चालू होती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाली चीज। कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजों का होना अनिवार्य है। सेक्शन 2H डिफाइन्स द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एक ऐसा एग्रीमेंट जो कानून के द्वारा पूरा करवा सकते हैं। सो दो चीज निकल के आती है, एक उसमें एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा उसमें लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ होना चाहिए। सो अगर इसमें दोनों चीजें हैं तभी हम बोलते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर इसमें से एक भी चीज मौजूद नहीं है, अगर एग्रीमेंट है बट लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, या लीगल ऑब्लिगेशन है बट एग्रीमेंट नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। सो कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, जब दोनों चीजें होगी। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एग्रीमेंट का क्या मतलब है, ये भी डिफाइन किया है। एग्री करने का क्या मतलब होता है, तो दोनों ने जब एक्सेप्ट किए, सबसे पहली बात, एग्री करने के लिए दो पार्टियों का होना अनिवार्य है। एक अकेला व्यक्ति खुद से एग्रीमेंट नहीं कर सकता, आपको अगर किसी के साथ कुछ एग्री करना है तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन, दो जनों का होना तो अनिवार्य रहेगा ही। ठीक है, सो एटलीस्ट दो लोग होना चाहिए, जैसे मिस्टर ए और मिस्टर बी। समझो मिस्टर ए मिस्टर बी को पूछता है, क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, तो मिस्टर ए मिस्टर बी को पूछता है, क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, मिस्टर बी बोलता है हाँ। सो यहाँ पे हम बोलते हैं कि मिस्टर बी ने एक्सेप्ट किया है, मिस्टर ए ने कुछ पूछा था और मिस्टर बी ने उसको हाँ बोला, मीन्स यहाँ पे एग्रीमेंट हो गया, दोनों ने एग्री करे कि हाँ हम ये करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट। इसी को दूसरे शब्दों में अगर आप बोलो तो यहाँ पे आप देखो वादे निर्माण हुए, प्रोमिसेस क्रिएट हुए। सो एग्रीमेंट इज नथिंग बट प्रोमिसेस, एवरी प्रोमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एज एन एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट का मतलब है प्रोमिसेस। जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पूछा, क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, और मिस्टर बी ने बोला हाँ, सो यहाँ पे अगर आप देखें तो दो प्रकार के प्रोमिसेस क्रिएट हो गए। मिस्टर ए प्रोमिस कर रहा है मैं कार दूंगा, और मिस्टर बी प्रोमिस कर रहा है मैं 1 लाख रुपए दूंगा। सो अल्टीमेटली दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज एन एग्रीमेंट, एवरी प्रोमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस, एंड दिस इज अगेन कॉल्ड एज एन एक्सेप्टेड प्रपोजल, या और आसान शब्दों में बोलो तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ए ने ऑफर किया, क्या तुम मेरी कार खरीदोगे, और बी ने उसको एक्सेप्ट किया। सो दिस इज कॉल्ड एज एन एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट में अगर लीगल ऑब्लिगेशंस भी क्रिएट होते हैं, अगर इसमें इंटेंशन इज टू क्रिएट लीगल रिलेशन, देन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये एग्रीमेंट सोशल नेचर का है, जैसे मैंने आपको डिनर के लिए इनवाइट किया, आप बोले जी मैं जरूर आऊंगा, एग्रीमेंट तो हो गया, मैंने ऑफर किया था डिनर के लिए, आपने एक्सेप्टेंस दे दिया, बट अल्टीमेटली आप नहीं आते हैं डिनर पे, तो क्या मेरा यहाँ उद्देश्य ये था कि अगर आप नहीं आएंगे तो मैं केस फाइल कर दूंगा, द आंसर इज नो। तो ऐसे केसेस में देर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, देर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम्स, ध्यान रखो। मैं यहाँ पे आपकी अब बैच ऐसी है, शॉर्ट है, तो उसमें मैं आपको ये भी बताते जाऊंगा कौन सा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो भी पढ़ा वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, बट ये पॉइंट पे आपको क्वेश्चन आएगा, लीगल ऑब्लिगेशन एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। ठीक है,
सो ध्यान रखो, सो एग्रीमेंट अगर आप तोड़ तोड़ के आते हैं तो अल्टीमेटली इट कम्स आउट टू बी एन ऑफर एंड एन एक्सेप्टेंस, एन ऑफर बाय वन पार्टी एंड एन एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर बाय द अदर। इसी को आप अगर दो गोले के थ्रू बनाना चाहें तो एग्रीमेंट्स प्लस लीगल ऑब्लिगेशन, जहां दोनों मिलेंगे वहीं जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर दोनों नहीं मिलते हैं सो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इट इज कंपल्सरी जहां पे दोनों मिलते हैं वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, तो दोनों का मिलना अनिवार्य है। जैसे यहाँ पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दोनों मिल रहे हैं, एग्रीमेंट भी आ रहा है, ऑब्लिगेशन भी आ रहा है, लीगल ऑब्लिगेशन, सो वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, सो ऐसा है। फिर हाँ, अब मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अपन अब बहुत ज्यादा डायग्राम्स वगैरह मैं नहीं बनाऊंगा। सो डायग्राम्स आपके पास ये वाले तो बने हुए हैं, आगे आपको एक काम करना पड़ेगा, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं पढ़ाते पढ़ाते बोल रहा हूँ, तो आप तुरंत स्क्रीनशॉट उसका लेके रख लो। स्क्रीनशॉट आप बाद में यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग द डायग्राम, या फिर जो आपके टोटल वीडियोज है, पूरे वीडियोज है, उसमें आप डायग्राम वाला पोर्शन उतना खोल लें और उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज यहां बताई गई है, एग्रीमेंट फिर लीगल ऑब्लिगेशन, प्रॉमिस एंड एक्सेप्टेड प्रपोजल, इट कम्स आउट टू बी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। नाउ व्हाट इज एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट क्या है? तो एग्रीमेंट को भी डिफाइन किया है, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। प्रॉमिस को डिफाइन किया है एक्सेप्टेड प्रपोजल, एन ऑफर एंड एन एक्सेप्टेंस। फिर लीगल ऑब्लिगेशन भी मैंने आपको समझा दिया, अगर डिनर पे बुलाया जा रहा है तो ऐसे केसेस में देर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़े से एग्जांपल्स भी मैं आपको कम दूंगा। जैसे मैं अगर मेन क्लास में आपको 4 या 5 एग्जांपल देता हूँ ऑन वन पॉइंट, तो यहाँ पे मैं आपको 2 एग्जांपल वगैरह ही दूंगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। फिर एक रूल है कि हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट जरूर होगा, पर हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ये जरूरी नहीं। ये आपका इस डायग्राम से पूरा क्लियर होता है, ब्रह्मास्त्र है ये आपका डायग्राम। हर एग्रीमेंट जो है वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे ये जरूरी नहीं होता, और इसलिए हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने ये जरूरी नहीं। लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट जरूर होगा, क्योंकि पहले एग्रीमेंट होगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सो फर्स्ट थिंग इज देयर शुड बी एन एग्रीमेंट, मीन्स एवरी कॉन्ट्रैक्ट विल बी एन एग्रीमेंट। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम के हिसाब से देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये सब एक एग्रीमेंट भी जरूर है, बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ये जरूरी नहीं। ठीक है, तो आप इस डायग्राम के हिसाब से भी इसको समझ सकते हैं। सो ये डायग्राम आपका ब्रह्मास्त्र है, एग्जाम के टाइम ये बहुत काम आएगा। दूसरा पॉइंट, हर लीगल ऑब्लिगेशन भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, सिर्फ वो लीगल ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है जो एग्रीमेंट के द्वारा अराइज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, लीगल ऑब्लिगेशन और भी सोर्सेस से अराइज हो सकते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ टॉर्ट हो गया, या एक ट्रैफिक सिग्नल का फॉलो करना। ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करना दिस इज ऑल्सो एन ऑब्लिगेशन एंड इट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन, अगर आप पूरा नहीं करोगे तो कोर्ट जाना पड़ सकता है। बट क्या ये एग्रीमेंट के द्वारा उत्पन्न हुआ है? द आंसर इज नो, ये एग्रीमेंट के द्वारा नहीं क्रिएट हुआ, एंड हेंस इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। सो फॉर बींग अ कॉन्ट्रैक्ट इट इज कंपल्सरी कि एग्रीमेंट भी होना चाहिए और लीगल ऑब्लिगेशन भी होना चाहिए। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन आप एक बार रीड कर लेंगे, आपको पूरा डायग्राम के थ्रू समझ जाएगा। ये भी ऑलरेडी जो मैंने बताया किस प्रकार के लीगल ऑब्लिगेशंस हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं, हम वही लीगल ऑब्लिगेशंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं जो एग्रीमेंट के द्वारा अराइज हुए हैं, क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन भी बहुत प्रकार से अराइज हो सकते हैं। ठीक है, देन राइट इन पर्सोनम और राइट इन रेम होता है। राइट इन पर्सोनम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन ओनली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे एक मोबाइल खरीदा था, मैंने आपको पैसा दे दिया था और आपने मुझे मोबाइल नहीं दिया, तो मैं मोबाइल वो आपसे ही क्लेम कर सकता हूँ। भले ही दुनिया में और 100 लोगों के पास, 1000 लोगों के पास वो मोबाइल होगा, बट मैं बाकी लोगों से क्लेम नहीं कर सकता। अगर मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था तो आई कैन क्लेम ओनली फ्रॉम यू, दिस इज कॉल्ड एज राइट इन पर्सोनम। आई हैव अ राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन ओनली, मैं सिर्फ उस पर्टिकुलर व्यक्ति से क्लेम कर सकता हूँ जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। दूसरा एक होता है राइट इन रेम। राइट इन रेम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, मीन्स ऐसा राइट जो कि आपको दुनिया से कोई भी व्यक्ति कोई आपसे वो छीन नहीं सकता।
जैसे अगर आप अपने मकान में हैं, आराम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपको आपके मकान से बाहर नहीं भगवा सकता, ठीक है? तो वो आपका घर है, आप रह सकते हैं वहां पे, ठीक है? सो ऐसा है, सो दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज राइट इन रैम, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर हम आगे के पूरे 6 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, वॉट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए, पूरा होने के लिए, सही होने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, इनको मैं आपको पहले ऐसे ही डायरेक्टली बता देता हूं क्योंकि ऑलरेडी हम इनके ऊपर पूरे के पूरे चैप्टर्स देखने वाले हैं। क्या क्या चीजें होनी चाहिए मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको थोड़ा बहुत समझाते जाता हूँ। द फर्स्ट थिंग इज देयर शुड बी एन ऑफर एंड देन देयर शुड बी एन एक्सेप्टेंस। जैसे ए पूछेगा बी को कि क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, और बी बोलेगा हाँ, तभी जाके तो बात चालू होगी। तो देयर मस्ट बी 2 पर्संस, एक ने ऑफर किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया। अगर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो सबसे पहली चीज है देयर शुड बी एन एग्रीमेंट, देयर शुड बी एन ऑफर एंड एन एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर। देन दूसरी चीज है देयर शुड बी द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। ये भी पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बट इसके ऊपर एक केस है, वो केस मैं आपके साथ अब जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। एक केस हुआ था बेल्फर वर्सेस बेल्फर का। इसमें क्या हुआ था, इसमें मिस्टर और मिसेस बेल्फर होते हैं, ये लोग रहते हैं सिलोन में। सिलोन कहाँ है, तो श्रीलंका में। सो मिस्टर एंड मिसेस बेल्फर ये लोग सिलोन में रहते हैं, और ये लोग जाते हैं यूनाइटेड किंगडम में घूमने के लिए। अब क्या होता है, वहां पे जाके जो आंटी जी होती है मिसेस बेल्फर, वो काफी बीमार हो जाती है, पर अंकल जी को वापस आना होता है फॉर द पर्पज ऑफ देयर जॉब, हिज जॉब। उसको वापस आना होता है जॉब करने के लिए, क्योंकि अगर वो वहीं रहेगा तो उसका जॉब छूट जाएगा, इसीलिए वो वापस आता है और वाइफ को वादा करता है कि तुम यहाँ पे रहो, मैं तुमको खर्चा पानी भेजते रहूंगा, मैं तुमको पैसा देते रहूंगा, हर महीने का मैं 60 पाउंड तुमको भेजूंगा ताकि तुम्हारा जो दवा दारू का खर्चा है वो निकलते जाए। आंटी जी बोलती है ठीक है, दोनों जन एग्री करते हैं, अंकल वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद वो भूल जाते हैं कि भाई उनकी कोई वाइफ है, वापस तो आ गए लेकिन उन्होंने कोई पैसा नहीं भेजा। अब कुछ पैसा भेजा नहीं तो यहाँ पे जो आंटी होती है उनको बुरा लगता है, वो बोलती है कि मैं क्लेम करूंगी, कोर्ट जाऊंगी। आंटी कोर्ट पहुंच जाती है अंकल के खिलाफ और बोलती है कि ये अंकल ने मुझे वापस पैसा देने का वादा किए थे बट अब मुझे पैसा देने से मना कर रहे हैं। यहाँ पे कोर्ट ने बोला आंटी जी देखो ये तो घर की बात है, यहाँ कोई इंटेंशन केस फाइल करने का तो था नहीं, यहाँ कोई इंटेंशन लीगल रिलेशंस या लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने का तो नहीं था। सो ऐसे केसेस में यू कैन नॉट क्लेम, इट वाज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट वाज ओनली अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट। जैसे कि आपको आपके पिताजी वादा करते हैं कि बेटा तू फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जा, मैं तेरे को मोबाइल खरीद के दूंगा। सो यहाँ पे आपको वादा किया जा रहा है तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? द आंसर इज नो। इवन इफ देयर इज एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बट इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बीइंग अ सोशल एग्रीमेंट और अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट। तो ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, घरेलू बात है, इसके ऊपर आप केस फाइल नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। तो मिस्टर एंड मिसेस बेल्फर, ये केस इंपॉर्टेंट है, बेल्फर वर्सेस बेल्फर, आप एक बार इसको रीड जरूर करेंगे। फिर इन ऑर्डिनरी कमर्शियल ट्रांजेक्शन इट इज डीम्ड दैट द इंटेंशन इज टू क्रिएट द लीगल रिलेशन। जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें मान लिया जाता है इंटेंशन इज टू क्रिएट द लीगल रिलेशन, इट विल बी प्रिज्यूम्ड ऑलवेज। देन द थर्ड एसेंशियल एलिमेंट इज द लॉफुल कंसिडरेशन। हर एक पार्टी को बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। जैसे कि अगर ए ने बी को पूछा क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, बी ने बोला हाँ, तो ए से बी को कार मिलने वाली है और बी से ए को 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं। इसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन, जो दोनों को बदले में प्राप्त हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन। देयर शुड बी अ लॉफुल कंसिडरेशन। अब वॉट इज लॉफुल, लॉफुल का क्या मतलब है, तो लॉफुल क्या होता है ये अपन चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में देखने वाले हैं। देन देयर शुड बी द कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। जो भी पार्टीज हैं दे शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक मेजर व्यक्ति है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, माइनर व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये कौन है बहुत डिटेल में चैप्टर 4 में देखेंगे। देन एक पर्सन ऑफ साउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति, पागल व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। देन अ पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। कुछ लोगों को डिस्क्वालिफाई किया गया है, वो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। देन फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का क्या मतलब है, तो कंसेंट का मतलब है जो बी ने हाँ बोला था ना, ए ने बी को पूछा था क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में और बी ने बोला था हाँ, सो दिस हाँ इज अ कंसेंट, इसको हम कंसेंट बोलते हैं।
बट ये कंसेंट का फ्री होना भी जरूरी है। फ्री होने का क्या मतलब है? फ्री होने का मतलब है ये किसी के दबाव में आके नहीं होना चाहिए, मारपीट करके नहीं होना चाहिए। तो अगर ये मारपीट करके ली गई है, ए ने बी को बहुत मारा और बोला कार खरीदेगा क्या, बोल, बी ने बोला था नहीं और मारा, फिर वो बोलता है हाँ, खरीदता हूँ, ऐसे केसेस में इट इज नॉट अ फ्री कंसेंट। और अगर कंसेंट फ्री नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट परफेक्टली वैलिड, ठीक है। सो कंसेंट फ्री होना चाहिए, ये भी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। कंसेंट कब कब फ्री नहीं होती? इफ इट इज कॉज बाय कोर्शन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ये सब चीजों को एक एक करके हमको आगे समझना है। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी इलीगल। अगर इलीगल ऑब्जेक्ट है जैसे सुपारी देना, स्मगलिंग करना, तो ऐसे केसेस में इट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट को आप पूरा नहीं कर सकते, इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट। नाउ व्हाट इज वॉइड एग्रीमेंट, ये जस्ट आगे हम देखने वाले हैं। एग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। अगर एग्रीमेंट, सब चीज प्रॉपर है एग्रीमेंट में, सब है उसमें, ऑफर एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, सब है सब है, पर फिर भी अगर बोला है कि आप ये नहीं कर सकते तो आप उसको फिर नहीं कर सकते। तो अगर उसको एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया गया है, एक्सप्रेसली का मतलब है बाय वर्ड्स, इसको लिखा गया है कानून में कि आप ये नहीं कर सकते, देन यू कैन नॉट डू इट, तो आपको वो करने के फिर बिल्कुल अनुमति नहीं रहेगी। तो जैसे कि लिखा हुआ है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, आप किसी को शादी करने से नहीं रोक सकते, किसी को कोई लॉफुल ट्रेड, प्रोफेशन, बिजनेस करने से नहीं रोक सकते, तो अगर आप ऐसा करोगे भी तो दैट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देन सर्टेनिटी होना चाहिए, सर्टेनिटी का मतलब होता है कि ये पक्का होना चाहिए कि क्या चीज चाहिए। जैसे आप अगर जाते हैं कोई तेल खरीदने और आप दुकान में जाके आके बोल देते हैं कि मुझे तेल दे दो, 1 किलो तेल भेज दो घर पे, अब वो बेचारा क्या भेजेगा क्योंकि आपने कौन सा तेल ये तो बताया ही नहीं। सो ऐसे केसेस में इट इज नॉट सर्टन, एंड इफ इट इज नॉट सर्टन देन इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट शुड बी सर्टन। अगर वो सर्टन है ही नहीं तो कौन सा तेल वो बताया नहीं तो वो क्या भेजेगा बेचारा, क्योंकि तेल तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं, खाने का तेल हो सकता है, सर पे लगाने का तेल हो सकता है, गाड़ी में डालने का तेल हो सकता है, तो बहुत प्रकार के तेल हो सकते हैं, और इसीलिए ये स्पेसिफाई करना जरूरी है कि कौन सा तेल आपको चाहिए था। देन इट शुड बी पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आप ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ आप मुझे 10,000 रुपये दो, मैं यहाँ पे ऐसा गिली गिली छू करूंगा और यहाँ पे एक कोई गुड्स उत्पन्न हो जाएंगे, एक खजाना उत्पन्न हो जाएगा, तो ऐसे केसेस में इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। आप अगर किसी को चांद तारे तोड़ के लाने का वादा करते हैं, आप अगर चांद तक सैर कराने का वादा करते हैं, सो दैट विल बी वॉइड एग्रीमेंट, दैट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। देन राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, क्या राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है? द आंसर इज नो, किसी कॉन्ट्रैक्ट का लिखित रूप में होना अनिवार्य नहीं होता, ठीक है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि एग्रीमेंट जो है या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइटिंग में रहे या वो रजिस्टर्ड रहे। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग और रजिस्ट्रेशन में नहीं है, सिर्फ वो बोल दिया गया है, तो भी दैट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो एन ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज एज मच एनफोर्सेबल एज अ रिटन एग्रीमेंट। बट अगर कोई कानून बोलता है कि नहीं आपका एग्रीमेंट लिखित रूप में ही होना चाहिए, देन इट शुड बी इन राइटिंग। ये हम आगे देखेंगे ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट है जो लिखित रूप में होना अनिवार्य है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है, कुछ और कानून में भी लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दैट शुड बी इन राइटिंग। आर्बिट्रेशन के एग्रीमेंट जो होते हैं आगे हम पढ़ेंगे क्या होते हैं, दैट शुड बी इन राइटिंग। एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन मस्ट बी इन राइटिंग एज वेल एज रजिस्टर्ड। तो ऐसा एक एग्रीमेंट होता है जो आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन किया गया है, जो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं, तो वो लिखित रूप में भी होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड का क्या मतलब है? आपको सरकार के पास जाके उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है, सरकार के एक ऑफिस होता है सब रजिस्ट्रार, तो वहां जाके आप उसको रजिस्टर करवा लेते हैं। मीन्स वो अपने रजिस्टर में लिख लेगा कि हाँ इन दोनों के बीच में ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दैट इज रिक्वायर्ड। अगर बोला गया है किसी कानून में तो फिर वो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अब हम चर्चा करेंगे, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सो ऑन द वेरियस बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, एनफोर्सिबिलिटी, इसको अलग प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन आप अलग प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहली चीज है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जिसमें हर एक एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज प्रेजेंट, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। जिसमें ऑफर एक्सेप्टेंस भी है, लॉफुल कंसिडरेशन भी है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी है, सर्टेनिटी भी है, सब 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 चीजें हैं जो हमने सेक्शन नंबर 10 में पढ़ा था। तो सब चीजें अगर उसमें मौजूद है, सो ऐसे केस में दैट विल बी अ परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, अगर वो पूरा ना किया जाए तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. दूसरा होता है वॉइड एग्रीमेंट. वॉइड एग्रीमेंट का मतलब होता है इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी आप इसको कानून की सहायता लेके पूरा नहीं करवा सकते. सो कब हम बोलते हैं कि एग्रीमेंट वॉइड है? ध्यान दो यहाँ पे वर्ड्स क्या लिखे हैं, वॉइड एंड एग्रीमेंट. ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, ये सिर्फ एग्रीमेंट था शुरू से ही और ये एग्रीमेंट ही रह गया. सो वॉइड एग्रीमेंट का मतलब है ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, इट इज वॉइड एब इनिशियो. यहाँ पे वर्ड्स यूज किए जाते हैं वॉइड एब इनिशियो. तो वॉइड एब इनिशियो का मतलब है वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही ये वॉइड थे. सो दे आर नॉट एनफोर्सिएबल, आप कानून की सहायता कर लेके उसको पूरा नहीं करा सकते और इसीलिए इसको हम वॉइड एब इनिशियो बोलते हैं. इसमें कभी लीगल ऑब्लिगेशंस उत्पन्न ही नहीं हुए, क्रिएट ही नहीं हुए. सो कभी भी लीगल ऑब्लिगेशंस इसमें नहीं आते. ये कैसे होते हैं? ये ऐसे एग्रीमेंट है जिसमें एक आध भी अगर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज एब्सेंट अदर देन फ्री कंसेंट, देन इट इज कॉल्ड एज अ वॉइड एग्रीमेंट. सो वॉइड एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें अगर एक भी पॉइंट मिसिंग है, जिसमें अगर समझो कंसेंट ही नहीं है, जिसमें समझो एक सेकेंड, नहीं स्क्रीन तो चालू है, फ्रीज नहीं हुई है वैसे, स्क्रीन चालू है प्रॉपर. सो आप एक बार लीव करके वापस आ जाएं. हाँ, सो नॉट एनफोर्सिएबल, ये एनफोर्सिएबल नहीं है. देन इसमें अगर कोई भी एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल कंसीडरेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज नहीं है, अनलॉफुल कंसीडरेशन है, अनलॉफुल है एग्रीमेंट, सो ऐसे केसेस में दैट विल बी वॉइड एग्रीमेंट. ठीक है, देन इसमें एक खास बात, रेस्टिट्यूशन. रेस्टिट्यूशन का मतलब है जिसको जो चीज मिली थी वो वापस कर देना, दिस इज कॉल्ड एज रेस्टिट्यूशन. जैसे मेरे को आपने कुछ पैसा दिया, मैंने आपको मोबाइल दिया, सो अपन अगर इसको कैंसिल करते हैं तो मुझे मोबाइल मिल जाएगा, आपको पैसा वापस कर दूंगा मैं, दिस इज कॉल्ड एज रेस्टिट्यूशन. बट इन केस ऑफ वॉइड एग्रीमेंट रेस्टिट्यूशन नहीं होता. अगर वॉइड एग्रीमेंट था, पहले से पता है कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी आपने किया, तो आपको कोई कानून सहायता नहीं करेगा, आपको इवन आपका दिया पैसा भी वापस नहीं मिलेगा. जैसे आपने मुझे मारने की सुपारी दे दिए, अब आगे वाले व्यक्ति ने मुझे नहीं मारा, तो आप कोर्ट जाके क्या पैसा वापस क्लेम कर सकते हैं भाई से? द आंसर इज नो, आप क्लेम नहीं कर सकते. सो देयर विल बी नो रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट. ठीक है, आपको चांद तारे तोड़ने का आपने वादा किया था, आपको पैसे दिए थे कि ये लो इतने पैसे रखो और जाओ चांद तारे तोड़ के लाओ, आपने नहीं तोड़ के लाए, तो यहाँ पे क्या आपको पैसा वापस करना पड़ेगा? द आंसर इज नो, आपको पैसा वापस करने की कोई आवश्यकता नहीं है. ठीक है, सो ये यहाँ पे रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट नहीं होता. बट ये बात हो गई नॉर्मल केस में. कुछ केसेस में रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट होता है. कब? व्हेन द एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, जब हमको बाद में पता लगा ये तो वॉइड है. पहले हमको नहीं पता था कि ये वॉइड है, बट बाद में पता लगा. जैसे कि मेरे पास एक कार है, वो कार मैं आपको बेचना चाह रहा था, आप खरीदना चाह रहे थे, हमने यहाँ पे बैठे हम लोग एग्रीमेंट करने का डिसाइड किया, हम लोग समझो 8 बजे बैठे और 10 बजे उठते हम एग्रीमेंट करके, पता लगता है इसके बीच 9 बजे वो कार डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बिजली गिरी और वो कार भस्म हो गई, स्वाहा हो गई. अब यहाँ पे कार तो थी ही नहीं, हम जब कॉन्ट्रैक्ट करके उठते हैं तो हमको पता लगता है कार तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है. सो ये वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि जो चीज हम खरीदने बेचने का वादा कर रहे हैं वो चीज ही नहीं है. सो ऐसे केसेस में दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट. और क्योंकि ये वॉइड एग्रीमेंट है, सो यहाँ पे वैसे तो रेस्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, बट यहाँ बताओ क्या आपकी कोई गलती है? द आंसर इज नो, ना आपकी गलती ना मेरी गलती है. सो ऐसे केसेस में आपके साथ गलत नहीं होना चाहिए. अगर हाँ पहले से पता होता कि ये नहीं करना है तो फिर बात और है, फिर वहां रेस्टिट्यूशन नहीं होता. पर यहाँ पहले से थोड़ी पता था, यहाँ तो हमने जब कॉन्ट्रैक्ट किया बाद में पता लगा कि ये तो गलत चीज हो गई, ये तो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो कार हम बेचने वाले हैं वो है ही नहीं. सो ऐसे केसेस में दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ डिस्कवर्ड टू बी वॉइड एग्रीमेंट. एंड यहाँ पे क्योंकि हमने बाद में डिस्कवर किया अरे ये तो वॉइड था, सो यहाँ पे अब रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट करना पड़ेगा. तो मुझे आपने अगर कुछ एडवांस में पैसा दे दिया है तो आई विल हैव टू रिटर्न दैट बेनिफिट. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एग्रीमेंट. इनफैक्ट सेकेंड टाइप ऑफ एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट. ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग प्रकार हम देख रहे हैं. सो यही पॉइंट आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप एक बार इसको रीड कर देंगे, ये पूरा पॉइंट वहां पे कवर हो जाता है. आप एक बार इसको रीड कर लेंगे तो आपको पूरे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, फिर
दूसरा जो पॉइंट है दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, या विच इज एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, यानी जिसको एक पार्टी चाहे तो पूरा कराए या चाहे तो वो कैंसिल करवा सकती है। दिस इज कॉल्ड एज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सो इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, और इट इज एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। दोनों प्रकार से आप बोल सकते हैं, या तो वॉइडेबल या तो एनफोर्सिएबल। सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये कैसे होते हैं? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंसेंट इज नॉट। सो देखो मैंने आपको बताया वॉइड एग्रीमेंट्स में फ्री कंसेंट के अलावा अगर कोई चीज नहीं होगी तो दैट इज अ वॉइड एग्रीमेंट, बट अगर फ्री कंसेंट नहीं होगी देन दैट विल बी अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है पर यहाँ पे इसको कैंसिल किया जा सकता है क्योंकि यहाँ गड़बड़ हुई है, मेरे से जबरदस्ती साइन कराया गया है। जैसे कि एक भाई आता है वो मेरे से मेरी प्रॉपर्टी के कागज पे साइन करा के ले जाता है। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं उसको दे दूं प्रॉपर्टी, मैं बोलूँ जाने दो यार 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 50 लाख रुपए दे के जा रहा है वो, मैं बोला जाने दो फालतू का झगड़ा करेंगे कल चल के गोली मार देगा, तो उससे अच्छा है अपन जाने देते हैं प्रॉपर्टी। ये मेरे पास एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, मैं कोर्ट चला जाऊंगा और कोर्ट जाके बोलूंगा देखो जी ये भाई मेरे साथ गलत कर रहा है, इसने जबरदस्ती मेरी प्रॉपर्टी ले गया, और मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। हेंस इट इज वॉइड एबल, मैं चाहूं तो कैंसिल करूं चाहूं तो वैलिड रहने दूं। अगर मैं कैंसिल करना चाहूं तो मुझे ये कैंसिल करना पड़ता है विद इन अ रीजनेबल टाइम, एक रीजनेबल टाइम इलैप्स होने के पहले, एंड बिफोर द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी इंटरवीन। थर्ड पार्टी के अधिकार नहीं आना चाहिए। अब रीजनेबल टाइम क्या है? सो रीजनेबल टाइम विल बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, इट विल डिपेंड फ्रॉम पर्टिकुलर फैक्ट्स ऑफ द केस, डिपेंड करेगा कौन सी चीज की बात हो रही है। जैसे पिज्जा की बात है तो पिज्जा में हो सकता है रीजनेबल टाइम 1 घंटा है, वहीं कार की बात है हो सकता है 10 दिन हो, अगर प्रॉपर्टी की बात है तो हो सकता है इवन 2 महीना हो 6 महीना हो। सो इट विल डिपेंड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। देन राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी नहीं आना चाहिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी अन्य व्यक्ति को अगर ये बेच चुका है आगे वाले ने, मिस्टर बी ने, भाई ने, अगर ये किसी और व्यक्ति को ऑलरेडी सेल कर चुका है देन ऐसे केसेस में मैं इसको अब कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है। तो इट कैन बी कैंसल्ड ओनली विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड बिफोर द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी इंटरवीन, ठीक है। थर्ड पार्टी के अधिकारों के क्रिएट होने के पहले आपको ये कैंसिल करना है। अगर आपने नहीं किया और पहले थर्ड पार्टी के अधिकार आ चुके हैं, राइट्स आ चुके हैं, तो आप इसको अब कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। ऑफकोर्स आप केस फाइल करके पैसा क्लेम कर सकते हैं कि मुझे पूरा पैसा रिकवर करा के दो, बट नाउ यू कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर देते हैं विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड बिफोर द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी इंटरवीन, तो क्या आपको आपकी चीज वापस करनी पड़ेगी? तो यस, आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी और आपको जो पैसा मिला है दैट यू विल हैव टू रीपे। ऑफकोर्स यहाँ पे क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है तो यहाँ पे बाकी की जो पेनल्टीज है वो भी लगेगी। ये क्राइम है, बी जो है, भाई जो है, वो धोखा दे रहा है, वो डरा रहा धमका रहा है, तो ऐसे केसेस में आईपीसी में बोला गया है मारने पीटने की धमकी देना ये भी क्राइम है। सो क्राइम की जो पेनल्टीज है वो जरूर लगेगी, पर रेस्टिट्यूशन तो आपको करना पड़ेगा, जो पैसा आपको मिला था दैट यू विल हैव टू रिस्टोर और गिव बैक। सो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है विच इज एनफोर्सिएबल या वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज। फिर ये गुड होते हैं या वैलिड होते हैं जब तक इसको अवॉइड ना किया जाए, आगे वाला ओनर बन जाता है। अवॉइड करना है तो विद इन रीजनेबल टाइम एंड बिफोर द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी इंटरवीन, और जो व्यक्ति कैंसिल कर रहा है उसको भी चीज वापस करना पड़ेगा, मींस रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट करना पड़ेगा। आगे जो पॉइंट बताए हैं इसको अभी अपन नहीं देखेंगे, ये पॉइंट आपको आगे समझ में आएंगे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है विच इज अ परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन द बिगिनिंग, जो शुरुआत में पूरी तरह से वैलिड होता है पर बाद में लेटर ऑन इट बिकम्स वॉइड, ये वॉइड हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि वॉइड एग्रीमेंट वॉइड शुरू से होते हैं और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड हो जाते हैं, यानी यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बना था पर अल्टीमेटली बाद में ये कैंसिल हो गया, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पार्टी देने का वादा किया था लेकिन कोरोना आ गया और बोला कि कोई भी रेस्टोरेंट में, गवर्नमेंट ने बोला कोई भी रेस्टोरेंट चालू नहीं रहेंगे, सो यहाँ पे मैं आपको अब पार्टी नहीं दे सकता, सो ऐसे केसेस में इट बिकम्स वॉइड, ठीक है। सो आप इसको बोलते हैं इट बिकम्स वॉइड, इट इज नॉट वॉइड एब इनिशियो, इट इज नॉट वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बट इट बिकम्स वॉइड, ये बाद में वॉइड हो जाते हैं, ठीक है। सो यही चीज लिखी है, ये कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड
एंड इट इज नेवर अ वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट. एक लिकर ट्रेडिंग का एग्जांपल दिया है, समझो मैंने लिकर खरीदने का वादा किया था और आगे वाला बेचने को तैयार है, मैंने समझो उसको एडवांस में पैसा भी दे दिया हूँ. अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि नो वन विल बाय और सेल लिकर विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सो यहाँ पे अगर बैन लगा दिया गया तो अब हम लोग चाह के भी ये पूरा नहीं कर सकते, सिंस इट बिकम्स इलीगल. तो यहाँ पे बाद में जब ये इलीगल हो गया तो अब ये वॉइड हो गया. पहले ये पूरी तरह से वैलिड एंड एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट था, बट नाउ इट बिकम्स वॉइड. ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको आपको वापस, इसमें भी आपको रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट करना पड़ेगा, इसमें भी आपको जो 20,000 रुपए दिए हैं वो वापस मिल जाएंगे. हाँ, पार्टी देना, यानी मैंने एग्जाम्पल थोड़ा चेंज किया हूँ. कृष्णा का एक सही क्वेश्चन है, सर पार्टी देना तो सोशल ऑब्लिगेशन है. यस, वो सही है, तो इसीलिए लिकर ट्रेडिंग का एग्जाम्पल ध्यान रखो, दैट इज अ बेटर एग्जाम्पल. ठीक है. सो किन किन कारणों से एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, वैसे हम ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो अभी मैं इसके ऊपर फिर से डिस्कशन नहीं करूंगा. हम आगे पढ़ने वाले हैं सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी. पहले वैलिड था, बाद में इम्पॉसिबल हो गया, तो ऐसे केस में इट बिकम्स वॉइड. जैसे कि मैंने आपको कार बेचने का वादा किया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कार अभी भी एग्जिस्टेंस में है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने के पहले अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है कार, ऐसे केसेस में इट बिकम्स इम्पॉसिबल, नाउ इट बिकम्स वॉइड. ठीक है. सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, सेम एग्जाम्पल लिकर ट्रेडिंग का. मैंने जब लिकर ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया तब पूरी तरह से वैलिड था, पर बाद में गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगा दिया, नाउ इट बिकम्स वॉइड. देन रेपिडिएशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. रेपिडिएशन का मतलब है कैंसलेशन. एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो इट विल बिकम वॉइड. तो भाई कॉन्ट्रैक्ट करके मेरे से लेके गया था प्रॉपर्टी, मैं कोर्ट जाके उसको कैंसिल करा देता हूँ. सो पहले वैलिड था, बाद में कैंसिल हो गया, वॉइड हो गया. एंड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कंटिजेंट इवेंट, ये बहुत डिटेल में समझाऊंगा मैं जब हम कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा. डिफरेंस बिटवीन बड़े आसान है, अगर आपको कंसेप्ट समझ गया है तो आपको ये डिफरेंस बिटवीन आसानी से समझ में आ जाएंगे. आप इसको एक बार साथ साथ में देखते जाएंगे. ठीक है, तो ये घर पे आपको पढ़ना, ये आपका काम रहेगा. आपको घर पे आज के आज ही ये चीजें पढ़ लेना है जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ. जैसे अपन लगभग एक एक चैप्टर रोज का कवर करते जाएंगे, और इट इज योर ड्यूटी कि आपको घर पे रोज एक एक चैप्टर पढ़ना है, पूरी थ्योरी पढ़ना है, देन यू विल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. आपको इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा. अगर आप ये बैच कर रहे हैं तो आपको इतना टाइम देना पड़ेगा, और अगर आप फुल बैच कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 15 मिनट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. क्लास में जो हो रहा है वो होगा, उसके अलावा 15 मिनट सिर्फ एक रिवाइज कर लो ऊपर ऊपर, और उसके बाद लिख के देख लो. तो आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है अभी. अगर आप फुल बैच करते हैं सो आप फुल बैच में उतना टाइम देंगे, और बाद में घर पे उतना टाइम नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको घर पे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा. ठीक है. सो ऐसा है, तो वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, आसान से डिफरेंस बिटवीन है, आप एक बार देख लेंगे. वैसे ही वॉइड एग्रीमेंट्स एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, आपको कंसेप्ट समझ गया है तो ये चीजें भी समझ जाएगी अभी. एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सभी पॉइंट्स आसान है. कुछ पॉइंट्स आगे चल के मैं आपको जरूर बताऊंगा. ठीक है, जैसे ये लास्ट वाला पॉइंट है, ये आगे आने भी वाला है. ठीक है, सो अभी तो मैं बता दिया हूँ ये चीजें, बट ये आगे बहुत डिटेल में आएगी, इसीलिए मैं अभी आपको ये चीज नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अपन फास्ट ट्रैक बैच कर रहे हैं तो रिपीटेशन को मैं अवॉइड करूंगा. जैसे जो चीज बहुत डिटेल में आगे आने वाली है वो चीज मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा. जैसे डिफरेंस बिटवीन, हर पॉइंट कहीं ना कहीं छोटे छोटे पॉइंट करके आने वाला है, और इसीलिए अपन उसको अभी डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो ऐसा है. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप पूरा नहीं करवा सकते, क्योंकि इसमें कुछ तो भी गड़बड़ है, देयर इज सम टेक्निकल डिफेक्ट. फॉर एग्जांपल, रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था बट आपने नहीं करवाया, तो आप इसको पूरा नहीं करवा सकते. फॉर एग्जांपल, स्टैम्प ड्यूटी भरना जरूरी था बट स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा, तो आप इसको पूरा नहीं करवा सकते. सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें कोई ना कोई टेक्निकल डिफेक्ट्स है, वो आप तब तक पूरा नहीं करवा सकते जब तक वो डिफेक्ट रिमूव ना किया जाए. ठीक है, सो आप अगर वो डिफेक्ट रिमूव कर दोगे, जैसे आपने स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा था, आप जाके उस पर स्टैम्प ड्यूटी भर दो, गवर्नमेंट को पैसा दे दो, और दैट विल बिकम एनफोर्सिएबल. सो अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर परफेक्टली वैलिड बट दे आर नॉट एनफोर्सिएबल बिकॉज देयर इज सम टेक्निकल डिफेक्ट. ठीक है, तो ऐसा है. देन इलीगल और अनलॉफुल एग्रीमेंट, इसको अभी का मैं स्किप करूंगा, क्योंकि इलीगल और अनलॉफुल एग्रीमेंट को अपन बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ने वाले हैं जब हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे. ठीक है, और वहां पे मैं आपको डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड इलीगल एग्रीमेंट्स भी डिटेल में बताऊंगा. वैसे यहाँ पे कवर हो चुका है, इसके डायग्राम्स वगैरह भी मैंने लेके आया हूँ, बट अल्टीमेटली अभी अपन इसको कवर नहीं करेंगे.
ठीक है, क्योंकि ये डिटेल में आने वाला है। सिर्फ अभी का मैं आपको इसका डिफरेंस थोड़ा बता देता हूँ। वॉइड एग्रीमेंट जरूरी नहीं हो इलीगल रहे, पर हर इलीगल एग्रीमेंट वॉइड रहेगा। जैसे कि अगर आपने एक माइनर के साथ एग्रीमेंट किया है, सो दैट विल बी अ, हाँ, माइनर के साथ अगर एग्रीमेंट किया है सो दैट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट बट दैट इज नॉट इलीगल। लेकिन आपने अगर स्मगलिंग किया है सो दैट इज ऑल्सो इलीगल। इलीगल का मतलब है जिसका कानून इजाजत नहीं देता, सो वो दैट इज इलीगल है। ठीक है, तो इलीगल एग्रीमेंट्स में होता क्या है, इलीगल एग्रीमेंट्स में क्या होता है, अगर एक वॉइड एग्रीमेंट है जो इलीगल भी है, जैसे आपने ड्रग्स खरीदा, सो अगर आप ड्रग्स खरीद के लाते हैं, ऐसे केस में एक सेकेंड, हाँ, सो आप अगर ड्रग्स खरीद के लाते हैं सो ऐसे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, आपने ड्रग्स खरीद के लाए तो इलीगल है। एक सेकेंड, हाँ, सो ये कॉन्ट्रैक्ट आपने किया ड्रग्स खरीदने का, आपको पैसा देना है जिससे आपने ड्रग्स खरीदे थे उसको, बट आपके पास पैसा नहीं है, तो आप मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं सर मुझे लोन दे दो, मैंने आपको लोन दे दिया। अब ये जो आपका एग्रीमेंट है दैट इज इलीगल, ये वॉइड तो है ही बट दैट इज ऑल्सो इलीगल, और क्योंकि मैं इलीगल काम को बढ़ावा दे रहा हूं सो दैट विल ऑल्सो बिकम इलीगल एंड हेंस वॉइड, सो मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी इलीगल और वॉइड हो जाएगा। वहीं अगर आप एक ऐसा एग्रीमेंट करते हैं विच इज वॉइड बट नॉट इलीगल, जैसे आपने माइनर के साथ एग्रीमेंट किया, ये वॉइड है बट इलीगल नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट इलीगल, तो ऐसे केस में अगर मैं आपको लोन देने का काम करता हूं सो ऐसे केस में दिस विल बी परफेक्टली वैलिड, दिस विल नॉट बी वॉइड। ठीक है, सो ये फर्क पड़ता है वॉइड और इलीगल होने से। इसको हम बोलते हैं कोलेटरल ट्रांजेक्शन। कोलेटरल का मतलब होता है जो साथ साथ चल रहे हैं, जो सहायक है, जो सहायता कर रहे हैं। तो अगर मैं गलत काम की सहायता कर रहा हूं, गलत काम में आपकी सहायता कर रहा हूं, इलीगल काम को बढ़ावा दे रहा हूं, तो ऐसे केस में मैं भी इलीगल काम कर रहा हूं माना जाएगा, और इसीलिए मेरा एग्रीमेंट भी वॉइड रहेगा, मैं आपसे पैसा वापस नहीं क्लेम कर सकता बिकॉज देयर विल बी नो रेस्टिट्यूशन। बट अगर मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जो इलीगल नहीं है, भले ही वो वॉइड है लेकिन मैं उसमें बढ़ावा दे रहा हूँ, सो मैं इलीगल काम तो कर नहीं रहा, ऐसे केसेस में माई एग्रीमेंट कोलेटरल ट्रांजेक्शन विल बी परफेक्टली वैलिड और मैं अपना लोन वापस ले सकता हूँ। ठीक है, सो ये पॉइंट्स पूरे यहां पे बताए गए हैं। देन और दो प्रकार, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्सप्रेस का मतलब है जो या तो लिखे गए या तो बोले गए, दोनों ही एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस यानी आप एक्सप्रेस कैसे करते हैं, या तो बोल के या लिख के, सो बोथ आर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, बोला गया भी एक्सप्रेस है और लिखा गया भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, देन दूसरा होता है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब होता है जिसमें बोला नहीं लिखा नहीं बट फिर भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सो ये इम्प्लाइड कहलाता है। इम्प्लाइड फिर दो प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हैं, इम्प्लाइड बाय लॉ एंड इम्प्लाइड बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज। इम्प्लाइड बाय लॉ का मतलब है कहीं ना कहीं कानून में लिखा है कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और इम्प्लाइड बाय कंडक्ट का मतलब है, टैसिट का मतलब है, जहां पे कहीं लिखा नहीं है कानून में बट फिर भी हम मान लेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, जैसे कि एक कुली है, कुली आपको देखता है, आपके पास बहुत सारा लगेज है, वो लगेज उठाता है और आपके सामने सामने चल रहा है और स्टेशन के बाहर आके आपका जो लगेज है वो उतार देता है। ऐसे केस में कुली ने तो आपको कुछ बोला नहीं, आपने भी उसको कुछ बोला नहीं, पर फिर भी क्या आपको उसका पैसा देना पड़ेगा? द आंसर इज येस, यू विल हैव टू पे द अमाउंट। दिस इज कॉल्ड एज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इम्प्लाइड कैसे कैसे होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, टैसिट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है अभी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अपने को बहुत डिटेल में चर्चा करना है, पूरा चैप्टर है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें हम इसको डिटेल में देख लेंगे। देन ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू किया गया है, ऑनलाइन किया गया है, दैट इज कॉल्ड एज एन ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल है, जैसे आप अमेजोन से कोई चीज खरीदते हैं, दैट इज एन ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। इसी को माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि पूरा हो चुका है, ऑलरेडी पूरा कर दिया है, दैट इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटेड। जैसे कि आप
टीवी खरीदने गए, आपने टीवी खरीदा, आपने पैसा दे दिया, टीवी ला लिए, पैसा दे दिया, दिस इज एग्जीक्यूटेड, आपने एग्जीक्यूट कर दिया पूरा, बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस, सो दिस इज कॉल्ड एज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी का मतलब है जिसमें पार्टीज आर येट टू परफॉर्म द रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस। जैसे मैं गया टीवी खरीदने, मैंने बोला भैया मेरे को टीवी चाहिए, उसने बुक कर लिया, मैंने अभी उसको पूरा पैसा नहीं दिया, ना उसने मेरे को अभी पूरा टीवी दिया है, मैंने समझो 1000 रुपए दे दिया लेकिन अभी लेके नहीं आया टीवी, ना मैंने पूरा पैसा दिया हूँ। सो ऐसे केसेस में इट इज कॉल्ड एज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अगेन द एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। यूनिलैटरल का मतलब होता है जहां पे एक पार्टी ने परफॉर्म किया है और अदर पार्टी इज येट टू परफॉर्म द प्रॉमिस, एंड बायलैटरल का मतलब होता है जहां पे दोनों ही पार्टीज ने परफॉर्म नहीं किया है। यूनिलैटरल का एग्जांपल है जैसे कि आप ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, आपने ट्रेन का रिजर्वेशन किया, आपने तो पूरा पैसा दे दिया लेकिन आपको अभी सर्विस प्राप्त नहीं हुई है, आपको जिस दिन जर्नी की डेट आएगी उस दिन आपको सर्विस मिलेगी, आपको जहां जाना है वहां पे पहुंचाया जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट व्हिच हैज बीन परफॉर्म बाय वन ऑफ द पार्टीज बट इट इज नॉट परफॉर्म बाय द अदर। एंड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज येट टू बी परफॉर्म बाय बोथ द पार्टीज। जैसे आप एक्टिवा बुकिंग करा के आते हैं, आपने एक्टिवा बुकिंग के लिए बुकिंग अमाउंट दे दिया 2000 रुपए, बट आपने पैसा आपने बुक आपने अभी एक्टिवा नहीं खरीदा, ना ही पूरा पैसा दिया है। सो ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका है क्योंकि दोनों ने एग्री कर चुके हैं, बट अल्टीमेटली इट इज नॉट येट परफॉर्म्ड। सो ऐसे केस में इट इज कॉल्ड एज अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मल एंड सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स हम नहीं देखेंगे क्योंकि हम रिविजन टाइप या रिविजन तो नहीं बोलना चाहिए, पूरे कर रहे हैं अपन एक शॉर्ट बैच कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक बैच कर रहे हैं, तो इसीलिए अपन वो चीजें नहीं देखेंगे जो आपके कोर्स में नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें हैं जो मैंने आप अपनी बुक में लिखा हूं बट ये आपके कोर्स में नहीं है, सो वो चीजों के ऊपर अपन डिस्कशन नहीं करेंगे। होप सो आपको जम रहा होगा। मेरी ये गारंटी है आप अगर फास्ट ट्रैक बैच भी कर लेते हैं तो आप पासिंग मार्क आराम से स्कोर कर लेंगे। इनफैक्ट 60 में से आप 35-40 तक के भी स्कोर कर लोगे 60 में से, ठीक है। और अगर आप हाँ पूरा अगर करते हैं बैच तो पूरी बैच में तो फिर आप कितना भी कर सकते हैं, आप 60 में से इवन 55, 57, 58 तक भी स्कोर कर सकते हैं। और ये होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, क्योंकि अभी अगर आप इस बैच के जो रिविजन जो जिन लोग का अभी क्लास कंप्लीट हुई है रिविजन के जस्ट पहले, तो वो लोगों के अगर आप पेपर्स देखोगे तो दे आर स्कोरिंग 77-78 मार्क्स इन टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में इतने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो ऑफकोर्स द मेन एग्जाम विल बी मच ईजियर, उसमें और ज्यादा अच्छे मार्क्स वो स्कोर कर पाएंगे। सो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट जितना आप लोग डर रहे हैं, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, उतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो आपको बस साथ साथ में पढ़ना है, टाइम बहुत है आपके पास, मोर देन सफिशियंट है। अगस्त में बैच हुई उन लोग के तो तुरंत एग्जाम है, बट वो लोग अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पास तो बहुत टाइम है, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट आप पूरी बैच कर लोगे तो भी कर सकते हो, इनफैक्ट दैट विल बी बेटर। मैं ये भी बैच ले रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली कि अगर आप पूरी बैच करते हैं तो दैट विल बी मच बेटर, आप ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे चीजें, ठीक है। पर ये बैच में भी मैं इतनी गारंटी देता हूँ आपको पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। ऑफकोर्स आपको लिखना वगैरह ट्राई करते रहना पड़ेगा, आपको घर पे एक बार पूरा रीड कर लेना है जो चैप्टर हमने यहाँ पढ़ा, घर पे एक बार पूरा रीड करना है और ये हो जाता है, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे में आप पूरा चैप्टर रीड कर सकते हैं, ठीक है। रीड कर लो जो मैंने दिया हूँ, एग्जाम्पल्स अपने आप याद आते जाएंगे, एंड आप एक आध क्वेश्चन तो भी लिख के देखो, ठीक है, और लिख के मेरे को फिर आप भेज सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा वो सही है या नहीं है, ठीक है। सो काफी वैसे स्पीड अप किया है अपन ने, लेकिन होप सो आपको समझ रहा होगा, आपको जम रहा होगा। कोई भी आपको अगर तकलीफ जाती है तो आप मुझे बोल सकते हैं, अगर कोई भी डाउट्स हैं तो डाउट्स के लिए हम अलग सेशन रख लेंगे, क्योंकि इट विल नॉट बी पॉसिबल कि मैं आपको यहाँ पे पूरे डाउट्स भी लेते जाऊँ साथ साथ में और साथ साथ में पूरा कवर भी करते जाऊँ। सो इसीलिए अपन डाउट्स के लिए एक अलग सेशन भी रख लेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास यहाँ कंक्लूड करते हैं, अगर कोई डाउट्स होंगे तो आप पूछ लो, कोई छोटे डाउट्स होंगे जो अभी अपन ने पढ़े उसके ऊपर, नहीं तो हम बड़ा डाउट का एक अलग से सेशन रख ही लेंगे। कोई डाउट्स? कोई भी डाउट्स नहीं है, चलो। तो इसका मतलब है आपको जम रहा है, इवन जो शॉर्ट बैच है वो भी जम रही है आपको, दैट इज बेटर, तो आप ये भी कर सकते हैं, नो इश्यूज।
और बस साथ साथ में पढ़ते जाओ। आप यहाँ भी अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो पासिंग गारंटी तो मैंने दे दिया, बाकी आप जितना अच्छे से करेंगे उतना आपका स्कोरिंग बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। बहुत दिनों बाद आपसे मिलना हुआ तो काफी अच्छा लग रहा है वैसे तो बट चलो, आपके और भी क्लासेस होंगे, और भी कमिटमेंट्स होंगे आपके, तो इसीलिए अपन आज की क्लास को यहाँ कंक्लूड करेंगे। चलो, थैंक यू।